A home should tell the story of who you are and be the collection of what you love. Hi guys, today I'm going to show you 3 BHK apartment in Zarakpur. Video puri dekhne se pehle dekhiye kuch glimpse. अभी आज के हमारे एक्चुअल लोकेशन पर मैं खड़ी हूँ एंट्री एंड एग्जिट गेट पर. जैसे आप देख सकते हैं कंप्लीट गेटेड सोसाइटी है. लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये लोकेटेड है आपका जिरकपुर में एंड कनेक्टेड है विद मल्टीपल हाईवेज लाइक योर PR7, योर अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, योर कालका हाईवे. इट मीन्स आपको यहाँ से डायरेक्टली नियर बाई स्टेट्स का एक्सेस मिल जाता है. जैसे मैंने आपको बताया गेटेड सोसाइटी है, 3-tier सिक्योरिटी रहेगी आपकी. यहाँ से आप अपनी घर में एंटर कर सकते हैं. एंट्री पे ही आपको मिल जाते हैं बूम बैरिगेट्स. लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं. रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है आपकी, ये ऑलरेडी सेटल्ड हैं लोग यहाँ पे. 6.5 acres की टाउनशिप है आपकी कंप्लीट, जिसमें आपको क्लब हाउस भी मिल जाएगा, आपको अम्यूनिटीज भी मिल जाएंगी बहुत सारी, आपको ग्रीन एरियाज मिल जाएंगे, आपको पार्क्स मिल जाएंगे एंड आपको मिल जाएंगे रोड्स भी जो कि हैं काफ़ी वाइड आपके इनसाइड में. मैं खड़ी हूँ वन ऑफ द पार्क में. आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पार्क है जहाँ पे आपको किड्स प्ले एरिया भी मिल जाता है एंड आपको जॉगिंग ट्रैक भी मिल जाता है, जहाँ लाइक डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी इस पार्क में, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खेल सकते हैं अपने बच्चों के साथ. आप अगर फिटनेस फ्रीक हैं तो आप जॉगिंग ट्रैक का यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा आज का सैम्पल फ्लैट. अब मैं खड़ी हूँ हमारे आज के एक्चुअल लॉबी एरिया में. एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे, एक है आपका यहाँ पे और एक है आपका यहाँ पे. आप अपने फ्लैट में स्टेयरकेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपके लिए लिफ्ट का प्रोविजन भी दिया गया है. S+4 का कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, स्टिल्ट में रहेगी आपकी पार्किंग. तो आइए अब चलते हैं हमारे सैंपल फ्लैट के अंदर. स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा एक वुडन पॉलिश डोर. आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल डोर है ये. स्टार्टिंग में ही आपको घर को देख के लगेगा कि वाव क्या लुक है एंट्री में ही. आप देखेंगे जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ रहा आपका ड्राइंग एरिया. काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग एरिया है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है. आप देखेंगे यहाँ पे सोफ़ा, चेयर्स, 2 सोफ़ा लगे हैं, चेयर्स लगी हैं, बीच में एक सेंटर टेबल भी लगा है जो कि बहुत ब्यूटीफुल सा है. फिर भी मेरे पास इनफ स्पेस है यहाँ पे मूव करने के लिए. बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से डेकोरेट किया गया है इस ड्राइंग एरिया को. जैसे आप देखेंगे ये वॉच देखिए एक बार आप, कितना डिफरेंट लुक है इस वॉच का. आप ये झूमर देखिए कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है हमारे आज के ड्राइंग एरिया को. मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि सारी चीज़ें जो यहाँ पे ऐड करी गई है ना, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. यहाँ आपको मिल जाएगी AC की डक्टिंग जहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपना AC. जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ उठा सकते हैं कि आपको अपना घर किस तरीके से डेकोरेट करना है. वॉल्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे प्लेन और आप यहाँ पे देखेंगे लाइक इतनी बड़ी विंडो दी गई है आपके पास जहाँ से आपको वेंटिलेशन और डे लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. प्लस आप यहीं से अपनी बालकनी में भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपकी फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी. और ये था हमारा ड्राइंग एरिया. ड्राइंग एरिया के बिल्कुल साथ ही कनेक्टेड है डाइनिंग एरिया. आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस डाइनिंग एरिया दिया गया है यहाँ पे. 6-seater डाइनिंग टेबल लगाया गया है, फिर भी यहाँ पे स्पेस बच रही है. आप देखेंगे एक बार, आप चाहें तो इसको 8-seater भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं लगेगा. या फिर आप चाहें तो और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे और भी स्पेस काफ़ी बच रही है. अगर आप और बड़ा टेबल भी लगाना चाहते हैं या फिर कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कोई चेस्टर ऐड करना चाहते हैं अपने हॉल में, तो आप वो भी कर सकते हैं. आप देखेंगे ये वॉल कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है.
सबसे पहले आप ये वुडन का वर्क देखिए, यहाँ पे एक लाइक अलमीरा है, ये यहाँ पे बॉक्सेस बनाए गए हैं कितने सुंदर, और जिनमें आपको सामान स्टोर करने का भी स्पेस मिल रहा है, प्लस आप यहाँ पे कुछ अपनी एंटीक चीज़ें भी, डेकोरेटिव आइटम्स भी यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है आपके लिए एलईडी का प्रोविज़न, जहाँ पे आप अपनी एलईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे डेकोरेट किया है सैंपल अपार्टमेंट में, आप भी कुछ इस तरीके से इस वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं। और अब चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। आपके डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ में ही है किचन, आप देखेंगे कितना काफी स्पेशियस किचन है। यहाँ पे आपको आपके अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स एज इट इज मिलेंगे। आपके लोअर कैबिनेट्स विद सॉफ्ट क्लोजर हैं, ग्रेनाइट का टॉप रहेगा जहाँ पे आप अपना हॉब रख सकते हैं। यहाँ पे मिल रहा है आपको चिमनी का स्पेस, और यहाँ पे है आपका ड्यूल सिंक विद मूविंग फॉल्सेट। वेंटिलेशन के पर्पस के लिए यहाँ पे एक विंडो भी दिया गया है आपको, एंड यहाँ पे आप अपना फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास रेफ्रिजरेटर का स्पेस भी दिया गया है। ये देखिए आप, आपके डाइनिंग एरिया और किचन को इस ब्यूटीफुल से पीस से सेपरेट किया गया है। कितना क्लासी लग रहा है और कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। आप भी कुछ ऐसा अपने घर में ऐड कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा ड्राइंग, डाइनिंग एंड किचन मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम में। सो ये रहा आपका फर्स्ट बेडरूम। आप देखेंगे काफी स्पेशियस बेडरूम है ये, काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। गाइज, इस घर में मैं आपको जितनी भी चीजें दिखाऊंगी ना, उनको आप जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत सारे आइडियाज मिलने वाले हैं कि आप अपने घर को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये घर बहुत ज्यादा सुंदर है। आप देखें यहाँ पे भी इतना बड़ा बेड लगा है, कितना ब्यूटीफुली ग्रे थीम लेके इन्होंने रूम को डिजाइन किया है। यहाँ पे साइड टेबल्स भी हैं विद ब्लैक लुक। उसके बाद भी हमारे पास काफी स्पेस बच रहा है मूव करने के लिए। बेड का पीछे आप देखें वॉलपेपर, एक बार कितना ब्यूटीफुल वॉलपेपर लगाया है। वहाँ पे मिरर वर्क भी है वॉलपेपर के साथ साथ, और यहाँ पे इतनी सुंदर सा ये पेंटिंग लगाया गया, इतना सुंदर पीस लगाया गया। लाइक जब मैंने इस रूम में एंटर किया ना बाहर से, मेरी नज़र सबसे पहले इसके ऊपर गई कि वाओ यार कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये सीरियसली। एंड यहाँ है आपके कबर्ड्स विथ स्लाइडिंग डोर, काफ़ी स्पेशियस कबर्ड्स हैं, और लोअर टू टॉप कबर्ड्स हैं आपके, काफी स्पेशियस है। एंड उसके बिल्कुल साथ ही है आपका वेंटिलेशन एरिया। यहाँ पे आपको इतनी बड़ी विंडो मिल रही है जहां से आप अपनी बालकनी में भी एक्सेस कर सकते हैं। सो ये रही आपकी बालकनी, जो कि आपकी ड्राइंग एरिया के साथ भी कनेक्टेड है। आप यह देखेंगे यहाँ पे खड़के आपको सामने मिलेगा पार्क का व्यू, जहाँ आप सुबह सुबह मॉर्निंग में भी अगर देखेंगे तो लाइक ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है देखने में। आप देखेंगे बिल्कुल सामने आपके पार्क। एंड यहाँ है वॉशरूम, आप देखेंगे काफी स्पेशियस वॉशरूम है। आप यहाँ पे जितनी भी चीजें देखेंगे सारी ब्रांडेड फिटिंग्स हो रखी हैं यहाँ पे। आप वॉल की टाइलिंग देखें, फ्लोरिंग देखें, आपको एज इट इज मिलेगा ये। एंड वेंटिलेशन के पर्पज के लिए आपको यहाँ पे विंडो भी दिया गया है, ताकि आपको सफोकेटेड फील ना हो वॉशरूम। अब मैं दिखाऊंगी आपको सेकेंड रूम, जहां से आपको मिलेगा एक और आइडिया कि आप अपने रूम को कैसे डेकोरेट कर सकते हो। बट उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी ही प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। ये है हमारा सेकंड बेडरूम, एक बार आप इसका भी लुक देख लीजिए। मैंने आपको बोला था ना कि इसमें आपको, इस घर में आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे कि आप कैसे कैसे अपने रूम्स को डेकोरेट करेंगे। आप पहले ये देखें कितना ब्यूटीफुल वुडन वर्क यहाँ पे किया गया है, कितना ज्यादा अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है कि लाइक आप देखते ही बोलेंगे कि वाओ क्या रूम है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी इतना बड़ा बेड लगा हुआ है, फिर भी मेरे पास स्पेस है मूव करने के लिए यहाँ पे।
आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी ऐड करी गई हैं, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। आप भी ऐसी कुछ चीज़ें ले सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। एंड यहाँ है आपके कबर्ड्स, आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस कबर्ड दिए गए हैं यहाँ पे आपको। एंड यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है कि आप यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रख के अपने रूम को और ज़्यादा एनहांस कर सकें उसकी लुक को। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगी बालकनी एंड विंडो फॉर द वेंटिलेशन पर्पस। ये बालकनी आपकी आपके नेक्स्ट रूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी, तो वो मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी। एंड यहाँ है वॉशरूम, यहाँ पे भी आपकी जितनी भी फिटिंग है वो सारी ब्रांडेड फिटिंग है। आप देखेंगे कितने अच्छे से बनाया गया, कितने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है वॉशरूम को। यहाँ पे भी आपकी जो वॉल की टाइलिंग है, फ्लोरिंग है, वो सारी आपको एज इट इज ही मिलने वाली है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ थर्ड बेडरूम में। सो ये रहा हमारा थर्ड बेडरूम, देख के लग रहा है ना कि वाओ कितना अच्छे से डिज़ाइन किया गया। आप देखेंगे एक बार ये भी कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे भी लाइक आप ये वर्क देखेंगे यहाँ पे, एंड वॉल कितनी सुंदर लग रही है, बोथ साइड मिरर का यूज़ किया गया है, बहुत ब्यूटीफुल वॉल लग रही है ये। यहाँ पे भी आपको कबर्ड्स मिल जाएंगे, टॉप कबर्ड्स मिल जाएंगे बॉटम टू, काफ़ी स्पेशियस कबर्ड हैं यहाँ पे भी आपके। एंड यहाँ है आपके एलईडी के लिए प्रोविज़न मिल जाता है आपको, यहाँ पे आप एलईडी अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग। एंड यहाँ है बालकनी, यही बालकनी मैंने आपको बताया था कि आपके सेकेंड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है, एंड काफ़ी अच्छी बालकनी है, रनिंग बालकनी है आपकी। एंड फॉर द सेफ्टी पर्पज़ यहाँ पे रेलिंग भी ऐड किया गया है। और आप एक चीज़ और देखें कि टावर्स के बीच में गैप कितना अच्छा है, आप देखें एक बार, काफ़ी अच्छा गैप है, बिल्कुल भी कंजस्टेडनेस नहीं आपको फील होगा यहाँ पर, या भी कोई प्राइवेसी का इशू आपको नहीं होगा। एंड यहाँ है वॉशरूम, ये भी वॉशरूम आपका बहुत ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम है, काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। यहाँ पे भी आपकी जितनी भी फिटिंग्स हैं वो सारी ब्रांडेड फिटिंग है आपकी। आप वॉल की टाइलिंग देखेंगे, आप फ्लोरिंग देखेंगे, ये आपको एज इट इज़ ही मिलने वाली है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट आर टूडेज वीडियो, जहाँ मैंने आपको दिखाया एक 3 BHK सैम्पल फ्लैट, जहाँ मैंने आपको दिए बहुत सारे आइडियाज़ कि अगर आप यहाँ पे घर खरीदते हैं तो आप इस घर को डेकोरेट कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी डील है गाइज, काफ़ी अच्छी लोकेशन है आपकी, ये लोकेटेड है आपके PR7 एयरपोर्ट रोड पर, एंड ऑल्सो कनेक्टेड टूवर्ड्स योर अंबाला चंडीगढ़ हाईवे। S+4 का कॉन्सेप्ट है, स्टिल्ट में आपकी पार्किंग रहेगी। अगर मैं अमेनिटीज़ की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल रहा है क्लब हाउस 6,000 square feet का, जिसमें आपको मिल रही हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ लाइक योर बैंक्वेट हॉल, योर जिम, योर पार्टी हॉल एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से भी कनेक्टेड है एंड PR7 से भी कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ से ईजीली नियर बाई स्टेट्स का आपको एक्सेस मिल जाता है। और बहुत सारे हॉटस्पॉट्स लाइक योर स्कूल्स, योर हॉस्पिटल, सारे आपके नियर बाई में आपको मिल जाते हैं। तो अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ सजेशन हमें देना चाहते हैं, या फिर आप हमसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।